सितंबर को न्याय अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से बहुत सामयिक कदम है, देश के हित में है और इस देश की सबसे बड़ी पूंजी, इस देश का जो 90% मेहनत करने वाले लोग हैं, किसान है, पिछड़ा है, दलित है, माइनॉरिटी है, यही इस देश की ताकत है। क्योंकि इनका जब खून पसीना बहता है तभी देश की प्रगति और विकास की आधारशिला रखी जाती है और इनके मनोबल के आधार पर ये देश आजाद हुआ है। इसलिए सबका फर्ज होता है कि इनके मनोबल को मजबूत किया जाए, इनको हक अधिकार मिले, इनका स्वाभिमान और सम्मान आगे बढ़े, तभी देश प्रगति और विकास कर सकता है। इस अवधारणा को लेकर के जो विसंगतियां पैदा हुई हैं, जो इन वर्गों को हक अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिला है, जिसके कारण इनका मनोबल कमजोर हो रहा है और हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। इसलिए ऐसे समय में ये जो आयोजन भारत के समस्त सामाजिक संगठनों के माध्यम से जो आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि ये सब एक ही व्यक्ति का सम्मेलन है, सबको अपने अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, सब संदेश दें, सब पत्र के माध्यम से सूचित करें कि अधिक से अधिक लोग रामलीला मैदान में पहुंचे और वहां पहुंच करके सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करें। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में न्याय अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये जो महासम्मेलन होने जा रहा है, इस महासम्मेलन के माध्यम से भारत के अंदर रहने वाले लगभग 115 करोड़ आरक्षित समाज के जो लोग हैं, उनको भारत के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को प्राप्त करने में ये समाज बहुत पिछड़ गया है। तो हम सभी लोग मिलके इस महासम्मेलन के माध्यम से ये जो संवैधानिक अधिकार है, जो समता, समानता, न्याय और बंधुता पर आधारित जो संविधान है, उस संविधान में जो हिस्सेदारी का जो आंदोलन है, जो सबको संख्या के आधार पर भागीदारी प्रदान करने का जो लिखा हुआ है, उस सबको मिले और ये मिलना सुनिश्चित हो, उसकी चिंतन मनन के लिए पूरे देशव्यापी एक महासम्मेलन होने जा रहा है। हम पूरे देश के जितने भी आरक्षित समाज के लोग हैं, ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हैं, ये सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को हमारे संवैधानिक अधिकार प्रतिनिधित्व मिल सके। पूरे देश के ओबीसी एससी एसटी के लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, 7, 6 तारीख को 6 और 7 तारीख को सारे लोग दिल्ली पहुंचे। अगर वास्तव में ही ओबीसी और एससी एसटी का न्याय दिलवाना है, सम्मान दिलवाना है, तो आप कृपया करके बिल्कुल न भूलें और दिल्ली पहुंचें और दिल्ली पहुंचकर इनके हाथ मजबूत करें और ओबीसी एससी का ताकि सत्ता हासिल हो, आप लोगों के सम्मान में और आपके प्रगति में और आपके आने वाले समय पर ये ताकत बनकर उभरे। दिल्ली में ये जो महाधिकार सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, देश के हमारे प्रदेश के मध्य प्रदेश के जो है, जो भी विभिन्न संस्थाओं, राजनीतिक पार्टियों के जो भी प्रबुद्ध जन है और हमारे जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, उनसे अपील करता हूँ कि इसको सम्मेलन को सफल बनाएं और 6 और 7 तारीख को नई दिल्ली पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा संख्या में पहुंचें और इस सम्मेलन को सर्वहारा वर्ग जो है हमारा जो 90% वर्ग है, उसका उसके हितों के संघर्ष के लिए जो संघर्ष हो रहा है, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएं। जैसा कि आपको विदित है कि 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में न्याय अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये जो महासम्मेलन होने जा रहा है, इस महासम्मेलन के माध्यम से भारत के अंदर रहने वाले लगभग 115 करोड़ आरक्षित समाज के जो लोग हैं, उनको भारत के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को प्राप्त करने में ये समाज बहुत पिछड़ गया है। तो हम सभी लोग मिलके इस महासम्मेलन के माध्यम से ये जो संवैधानिक अधिकार है, जो समता, समानता, न्याय और बंधुता पर आधारित जो संविधान है,
उस संविधान में जो हिस्सेदारी का जो आंदोलन है, जो सबको संख्या के आधार पर भागीदारी प्रदान करने का जो लिखा हुआ है, वो सबको मिले और ये मिलना सुनिश्चित हो, उसकी चिंतन मनन के लिए पूरे देशव्यापी एक महासम्मेलन होने जा रहा है। हम पूरे देश के जितने भी आरक्षित समाज के लोग हैं, ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हैं, ये सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को हमारे संवैधानिक अधिकार प्रतिनिधित्व मिल सके। मोतीलाल पटेल एडवोकेट, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं सभी ओबीसी एससी एसटी के सभी सामाजिक बंधुओं से अपील करता हूँ कि 6 और 7 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित हों और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे आगे आने वाले भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य जो है वो उज्ज्वल हो, यही मैं कामना करता हूं। और मेरी टीम पूरी हमेशा साथ है और दिल्ली के लिए बिल्कुल आएंगे। जय संविधान। आज साथियों, मध्य प्रदेश के महात्मा ज्योति फुले भवन के अंदर अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गौर जी, प्रीतम लोधी जी और कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद और शोषित और वंचितों की आवाज को राज्यसभा में उठाकर हक अधिकार दिलाने वाले आज बाबा साहब के संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं विजेंद्र यादव पूरी टीम के साथ दिल्ली से संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आज मध्य प्रदेश की अखिल भारतवर्षीय ओबीसी महासभा और तमाम अलग अलग संगठनों के हजारों की संख्या में लोगों ने विश्वास दिलाया, जो 75 वर्ष से बहुजन समाज के हक अधिकार को छीना जा रहा है, जो बहुजन समाज के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, जो बहुजन समाज के संविधान को तोड़ा जा रहा है, तो आज संविधान दिवस पर जो ऐतिहासिक रामलीला मैदान में तमाम समाज बहुसंख्यक समाज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के संगठनों द्वारा जो 6 और 7 तारीख को जो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महाकुंभ न्याय अधिकार सम्मेलन होने जा रहा है, तो आज मध्य प्रदेश के सभी एसटी एसटी ओबीसी के क्रांतिकारी साथियों ने और खासकर हमारे राज्यसभा सांसद ने विश्वास दिलाया कि अब की बार मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में तमाम बहुसंख्यक समाज के संगठन दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और बहुजन एकता जिंदाबाद के नारे के साथ। तो मैं विजेंद्र यादव पूरे मध्य प्रदेश के सभी संगठनों को और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो वो बहुसंख्यक समाज की इस आवाज को मजबूत करने के लिए हजारों की संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। मैं देश के तमाम बहुसंख्यक समाज के संगठनों से, बहुसंख्यक समाज के नेताओं से और बहुसंख्यक समाज के किरोड़ों किरोड़ों बुद्धिजीवियों और आखिरी व्यक्ति आदि में से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को आने वाले समय में हक अधिकार दिलाना चाहते हो, आरक्षण संविधान को वोट की ताकत को बचाना चाहते हो, तो 6 और 7 तारीख को नए अधिकार सम्मेलन में दिल्ली के रामलीला में पहुंचकर इसको मजबूत करें, ताकि संसद के सत्र में